एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान बताइए मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। भगवान ने कहा कि रोज तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया लिखा है। व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। वो व्यक्ति 1 रुपए में अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने लगता है। उसके सुखमय और सादगी भरे जीवन को देखकर उसके दोस्त ने अपनी बहन की शादी उससे करी, जिसकी वजह से उसको 1 रुपए की जगह 11 रुपए मिलने लगे। तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान मेरे भाग्य में तो 1 रुपए लिखा था, फिर ये 11 रुपए कैसे आए? तो भगवान ने कहा 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। कुछ दिन बाद उसके घर में बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से अब उसको 31 रुपए मिलने लगे। कहने का मतलब उसके बच्चे के भाग्य से उसको 20 रुपए और अधिक मिलने लगे। तो कहने का मतलब ये कि इंसान जब भी इस धरती पर पैदा होता है तो वो अपना अपना भाग्य लेकर आता है। किसके भाग्य से हमारे घर में धन दौलत बढ़ रही है ये कोई नहीं जानता है। हम किसके भाग्य का खा रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ये जो मनुष्य कहता है ना कि ये सब मेरी कमाई का है, मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है, उसको घमंड हो जाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो किसी भी मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए।